हिजबुल्ला और इजरायली सेना इसराइल लेबनान सीमा पर करीब रोजाना गोलीबारी कर रहे हैं। एक बार फिर इसकी भयानक तस्वीर शनिवार को देखने मिली। लेबनान की ओर से बीते दिन कई ऑपरेशनों को अंजाम दिया गया। हिजबुल्ला लड़ाकों ने अल अहमदी और कैफर रुमानी शहरों समेत कई लेबनानी शहरों पर इजरायली हमले का जवाब दिया। तड़के ही लड़ाकों ने कमान संभालते हुए उत्तरी कमान के मुख्यालय और 51वें डिवीजन के रसद बेस को निशाना बनाया। समूह ने दावा किया कि अमियाहत पर दर्जनों ग्रेट टाइप के रॉकेट भी दागे, जिससे उत्तरी इसराइल की आग अलग बस्तियों में सायरन बजने लगे, जिनमें अविविम, एलिफ्लेट, सफद, हमूका, डाल्टन और बिरियाह के शहर शामिल हैं। वहीं हिजबुल्ला की एंटी आर्मर यूनिट ने इसराइल की रुएशियात अल आलम मिलिट्री साइट को जिब्दीन मिलिट्री साइट से जोड़ने वाली सड़क एक इसराइली मरकबा टैंक को एंटी टैंक गाइडेड रॉकेट से उड़ाया। दावा है कि यह सटीक हमला टैंक पर निशाना बनाकर किया गया था, जिससे वह तुरंत आग के हवाले हो गया और जलकर खाक हो गया। समूह ने दावा किया कि दोनों हमले अल अहमदिया शहर में इजरायली हमलों के जवाब में हुए। यही नहीं, प्रतिरोध ने तबराया झील के पश्चिम में अमियात के दक्षिण में एलिफ्लेट पर हमला किया। दर्जनों ग्रेट टाइप के रॉकेट एक इजरायली बेस की ओर दागे गए। जिसमें 282वीं आर्टिलरी ब्रिगेड गोलान का मुख्यालय है। ये ब्रिगेड अपने हथियारों के लिए मुख्यालय और भंडारण सुविधा के रूप में बेस का उपयोग करती है। जिसमें तोपखाने और सटीक हमला करने वाले हथियार शामिल हैं। बताया गया कि हमले से कई इजरायली बस्तियों में सायरन बजने लगे। इसके अलावा हिजबुल्ला की मानव रहित वायुसेना ने माले गोलान बैरकों पर हमला किया। बेस की ओर एक तरफा हमला करने वाला ड्रोन लॉन्च किया गया। इससे साइट के सैनिकों और अधिकारियों के ठिकाने और आवासीय इलाके बुरी तरह प्रभावित हुए, जो 810वीं क्षेत्रीय ब्रिगेड के तहत। वहीं लड़ाकों ने 759वीं क्षेत्रीय ब्रिगेड की स्थापना स्थिति पर एक तरफा हमला किया। इस दौरान कई ड्रोनों के झुंड एक साथ लॉन्च किए गए, जिससे इलाके में जमकर तबाही मचाई। बताया जाता है कि ये तीनों हमले कैफर रुमानी शहर पर इजरायली आक्रमण के जवाब में किए गए। वहीं हिजबुल्ला के डिप्टी लीडर नईम कासिम ने नेतन्याहू को चेताते हुए कहा कि लेबनान पर पूर्ण पैमाने पर युद्ध से दोनों पक्षों को भारी नुकसान होगा। इसराइल के उत्तरी हिस्से में सैकड़ों हजारों इजरायली विस्थापित होंगे। अगर इसराइल युद्ध छेड़ता है तो हम उसका सामना करेंगे। हिजबुल्ला का युद्ध में जाने का कोई इरादा नहीं है। हमारा मानना है कि ये उपयोगी नहीं है। यदि वो सोचते हैं कि इस तरह के युद्ध से 100,000 विस्थापित लोग घर लौट सकेंगे, तो हम ये चेतावनी देते हैं, लाखों और विस्थापितों से निपटने के लिए तैयार रहें। जब तक युद्ध जारी रहेगा, लेबनान से गाजा के लिए हिजबुल्ला का समर्थन जारी रहेगा तथा इसराइली आक्रमण के जवाब में समर्थन में वृद्धि होगी। गौरतलब है कि इसराइल के चैनल 13 ने एक वरिष्ठ इसराइली अधिकारी के हवाले से बड़ा बयान दिया। उन्होंने बताया कि नेतन्याहू आने वाले दिनों में हिजबुल्ला पर एक बड़ा हमला करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक हमले को बढ़ाने की कोई तारीख नहीं तय की। हालांकि इस पर इसराइली पीएमओ की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी भी नहीं की गई है। इसराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने भी कहा है कि इसराइली सेना गाजा में अपना मिशन पूरा करने के करीब है और अब उनका ध्यान लेबनान के साथ देश की उत्तरी सीमा पर होगा।